आज सवाल जवाब के सिलसिले के लिए गुरुग्राम जाएंगे, संभाजी नगर जाना है और सूरत जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़े हुए नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं गुरुग्राम से, मीरा दुबे स्क्रीन पे। मीरा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मीरा मैम, कितना समय हो गया शेयर मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में आप कितने समय पहले आए थे? मैं 5 years before पहले भी आई थी, फिर बीच में बंद कर दिया था। उसके बाद अभी मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ, 2 years से। और कैसा चल रहा है 2 साल, खास तौर पे जब से ट्रेडिंग कर रहे हो? 2 साल से ट्रेडिंग में ठीक ठाक चल रहा है, मतलब प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है। नहीं ठीक, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही होता है, प्रॉफिट लॉस सबको होता है। खैर मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास IRFC के शेयर है 300 150 के रेट, 150 के, 136 पे चल रहा है। अविनाश सर क्या करें? बिल्कुल होल्ड करिए आशीष, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद बजट आएगा तो वापस इसमें अच्छी रेटिंग की चाल देखने को मिलेगी। बहुत ही यूनिक बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 to 12 months का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड। संध्या नारायण का सवाल लेते हैं, इन्होंने लिखा है कि एक तो आपकी बहुत बड़ी फैन है और दूसरा इनका सवाल ये कि IRFC के 2200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 30 रुपए पर प्रॉफिट बन रहा है, सॉलिड, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है और आई थिंक थोड़े काफी प्रॉफिट में लेट तक खड़े रह गए हैं, बट अभी भी लकी है कि काफी डिसेंट प्रॉफिट है। आई थिंक इसके तो सेल सिग्नल्स 180 के आसपास आ गए थे और मुनाफा बांधने की हमने इसके इसमें पहले भी राय दी हुई है, क्योंकि ये सारे हमारे भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चले हुए स्टॉक्स हैं। 30, 40, 50, 60 रुपए तक हमने इनको बहुत अच्छे से लाइक किया, बट अब बहुत ज्यादा चल गए। मेरी राय तो रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांध लें, 1/3 बेच दें, 2/3 इनका फ्री हो जाएगा। 2/3 में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाएगी, 1/4 बेचेंगी तो भी इनका 3/4 फ्री हो जाएगा, 1/4 बेच के कैपिटल निकाल लें। ये इंटरेस्टिंग है। विनय वरुण शुक्ला का सवाल है,